नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आचार्य गोविंद देव गिरी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आचार्य गोविंद देव गिरी जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है। वह गीता परिवार एवं महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान के संस्थापक है। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी आचार्य गोविंद देव गिरी जी ने मेरे लिए कुछ समय निकाला। उसी नियत समय में मैंने उन्हें लोकगाथा व लोकगाथा के कार्य के विषय में बताया। लोकगाथा के वीडियोस देख और कार्य देख वे बड़े ही हर्षित हुए और उन्होंने लोकगाथा के फॉलोअर्स व सब्सक्राइबर्स के लिए एक आशीर्वचन व युवा संदेश दिया है। तो अब हम अधिक देर नहीं करेंगे और उनके उस संदेश व आशीर्वचन को सुनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मुझे अत्यंत आनंद है कि गोदावरी मैया के तट पर संत महात्मा जी संस्थान के अंतर्गत समस्त वेद विद्यालय के प्रांगण में मेरा परिचय एक मानव के होनहार योग के साथ हुआ, जिनका नाम वेदांत बांगड़े सा है। इनके दादाजी को मैं जानता रहा और उनकी धर्मनिष्ठा से भी मैं प्रभावित रहा। विशेष रूप से अभी संदर्भ यह है कि मैंने वेदांत की बनाई हुई कुछ क्लिप्स का अवलोकन किया और मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि ये बालक बिना अध्ययन के कुछ लिखता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। जो कुछ लिखता और बोलता है वह शुद्ध स्वरूप में कैसे रहेगा, इसके लिए वह अत्यंत जागरूक है। और बड़ी अच्छी बात है कि हजारों युवक उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यह संख्या बढ़े। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार वेदांत यह काम कर रहा है, उससे प्रेरणा लेकर के अनेक अनेक युवकों को यह काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के सामने हमारे देश को महान बनाने का बड़ा लक्ष्य है। और यदि इस देश को महान बनाना है तो सबसे पहले इस देश की संस्कृति के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास जागृत होना चाहिए और वह बिल्कुल तर्कनिष्ठ बुद्धिनिष्ठ आधार पर आधारित होना चाहिए। ये सारी बातें आप सब लोग मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे वे पूर्ण होंगे और हमारा महान राष्ट्र और ही महान होगा। भारत माता की जय। आशीर्वचन व संदेश पाकर मेरा मन तो बड़ा प्रफुल्लित हो गया था। कदाचित आपका भी अभी हुआ होगा। जैसे कि रामचरितमानस में आता है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मेरा तो यही मानना है कि मेरे प्रेरणा स्थान, मेरे आदर्श, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का अनुग्रह व कुछ अन्य संतों का अनुग्रह और हरि की कृपा के कारण ही आज मेरा भारत के इन महान बड़े संत से मिलना संभव हो पाया है। और आचार्य गोविंद देव गिरी जी को भी लोकगाथा का कार्य अच्छा लगना यह संभव हो पाया है। उन्होंने मुझे उनके दर्शन के पश्चात यह पुस्तक प्रसाद रूपी भेंट में दी है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा सारामृत। कुछ क्षणों बाद, कुछ समय बाद आपको इसी पुस्तक से कुछ वीडियोस भी देखने मिल जाएंगे। अगर आपको लोकगाथा का कार्य अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करें और वही हर बार की तरह लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।